हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक पेड़ पर कई प्रकार के बेर कैसे लगाएं ये जानेंगे। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिस पेड़ पर आपको बेर लगाने हैं तो उस पेड़ को आप इस तरह से काट लें। ये पेड़ जिस टहनी पर हमें दूसरी टहनी लगानी है उसको को छोड़कर बाकी को सभी को हटा दिया जाए। जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आप इनको छोड़ सकते हैं और इसको भी हम काटेंगे बाद में। अब हम इसके ऊपर पेम लगाने की प्रक्रिया करेंगे। तो जिस ये दो टहनी आप देख रहे हैं ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितनी है, मेरी अंगुली के बराबर इसकी मोटाई है। जिस पर हमें पेम चढ़ाना है या कलम लगानी है उसकी मोटाई भी इतनी ही होनी चाहिए। इसकी मोटाई मेरी अंगुली के बराबर है, ये देख सकते हैं आप। दोनों टहनियों की मोटाई एक समान है। अब इसके ऊपर से हमें जिस पेड़ पर लगाने हैं उस पर लगाएंगे। ये आप जो टहनी है इसका काटा धीरे धीरे से कट कर लें। इस काटे को कुछ नहीं होने देने, इसके नीचे से आप इस प्रकार से निकाल कर सेफ तरीके से इसे अलग कर लें। इसको हमने अलग कर लिया है और अब दूसरी टहनी पर लगाएंगे। वो जिस पर हमें लगाना है उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से कट कर लेंगे। इसे नाप लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें इसके ऊपर इस जो दूसरी टहनी से हमने जो कलम लिया था इसको ऊपर लगाना है। इसको सही तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसे बांध देंगे। आप इसे कागज़ से भी बांध सकते हैं या फिर हमारी तरह टेप से भी बांध सकते हैं, लेकिन इसे बांधे तो मजबूती से बांधना होता है। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। सही तरीके से आप इसको बांध दें। जो ये काटा दिखाई दे रहा है इसको छोड़ देना चाहिए और बाकी ऊपर नीचे से बांध देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये थोड़ा सा बाहर छोड़ दिया और बाकी पर टेप लगा दी। अब ये जो नई ग्रोथ होगी वो यहीं से शुरू होगी। जिस पर हमने ये जिस वैरायटी का भी इसके ऊपर पेम लगाया है कलम लगाई है वो यहाँ से फूट होगी। बाकी पूरी टहनी को हमने काट दिया था। यह ऊपर नीचे से कोई भी ग्रोथ हो तो उसे हटा दें, क्योंकि यदि ऊपर से अलग जगह से ग्रोथ शुरू हो गई तो वो सही तरीके से नई कलम को बनने नहीं देगी। इस प्रकार हमने इस पेड़ पर 3-4 प्रकार के कलम लगाए हैं अलग अलग वैरायटी के। एक टहनी पर हमने 2-3 कलम लगाई हैं। इस पर ये दूसरी लगा रहे हैं और ऐसे पूरे पेड़ के ऊपर हमने कलमें लगाई हैं।
इसी प्रकार आप भी अपने घर पर कलम लगा सकते हैं जैसा कि हम लगा रहे हैं। हमने एक पेड़ पर सारी टहनियों पर कलमें लगा ली हैं और देख सकते हैं हर एक पर दो दो तीन तीन कलमें लगाई हैं। ये इतना बड़ा पेड़ है और इस पर आज 15-16 दिन बाद ये आप देख सकते हैं इस पर जो हमने कलम लगाई थी वो ग्रोथ हो चुकी है सही तरीके से। ऊपर नीचे से हमने सारी कलमें तोड़ दी थी जो फूट हुई वो, और ये भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी, एकदम सही तरीके से ग्रोथ हुई है। अधिकांश कलमें 15 दिन में फूट शुरू हो जाती हैं। इस पर हमने तीन लगाई थी, तीनों की तीनों सही तरीके से हो चुकी हैं। और इस प्रकार आप घर पर आसानी से कलम लगा सकते हैं। हमने इस पर 4 वैरायटी लगाई हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।